एस सी में एक बड़ा ही कॉमन जोक है एंड इट गोज़ लाइक वेयर डू यू हाइट डेड बॉडीज एंड द आंसर इज ऑन द सेकेंड पेज ऑफ गूगल बिकॉज नो बडी गोज देयर और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है क्योंकि बींग अ साइट ओनर और एन एस सी ओ आप महीनों की कैंपेन रन कर रहे होते हैं एक कुछ सर्टेन कीवर्ड पर काम कर रहे होते हैं एंड फॉर नो रीज़न एट ऑल वो गूगल के सेकेंड पेज पर जाके स्टक हो जाते हैं आई विश मेरे पास कोई ऐसी वन ट्रिक फॉर ऑल प्रॉब्लम टाइप की सोल्यूशन होती जो मैं आपको बताता हूँ और आपके तमाम मसले हल हो जाते बट इन रियालिटी देयर कुड भी मोर देन वन फैक्टर्स जिनकी वजह से आप गूगल के सेकेंड पेज पर जाके स्टक हो जाते हैं हा एवर इन दिस वीडियो वी विल टेक द केस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गूगल रैंकिंग फैक्टर्स दैट इज कॉन्टेंट ऑप्टोमाइजेशन इन दिस वीडियो आई विल नॉट ओनली गिव यू एन ऑन स्क्रीन टूटोरियल जिसकी मदद से यू कैन ऑप्टोमाइज योर कॉन्टेंट टू वर्ड्स फुलेस्ट पोटेंशियल बट आई विल ऑल्सो गिव्यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ गाय जिसने गूगल के एंटायर रैंकिंग सिग्नल्स को हैक कर लिया जस्ट बाय अप्लाइंग दिस टेक्निक सो स्टेट्यून ओके जी हाउ टू ऑप्टोमाइज योर कॉन्टेंट टू इट्स फुलर्स पोटेंशियल एंड ऑब्जर्व इम्प्रूवमेंट इन योर सर्च रैंकिंग बिफोर वी बिगिन लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी एंड स्टोरी इज अबाउट दिस का हिज नेम इज स्का हाई वोल्टेज एस सी ओ के नाम से इसकी एक मार्केटिंग uh, एजेंसी है फिनिक सर्विसनर यूएसए में एक साल पहले फेसबुक uh, पे एक कंपटीशन हुआ था एक एस सी कम्युनिटी ने एक कंपटीशन रन करा था रैंक और गो होम कंपटीशन उस कंपटीशन में नंबर ऑफ एस एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया उस कंपटीशन में उन्होंने करना क्या था uh, रैनो प्लास्टिक प्लानो की है उसे उन्होंने विद इन अ मंथ रैंक कराना था सही फ्रेश uh, डोमेन पे नया डोमेन लेके उस पर उन्होंने उसे रैंक कराना था और बजट जो था वो सिर्फ वो उस पर एक हज़ार डॉलर खर्च कर सकते थे सही जी कंपटीशन स्टार्ट हो गया आफ्टर अ मंथ रिजल्ट्स आ, आ गए और कायल जो है उसकी पाँचवीं पोजीशन आई उस कंपटीशन में आ, दो वीक आफ्टर द कंपटीशन कायल की रैंकिंग इंप्रूव करी और वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया गूगल के ना सिर्फ ऑर्गेनिक सर्चेज़ में भी बल्कि गूगल मैप्स में भी और नॉलेज स्लिपिट में भी यानी कि कार्ल ने बेसिकली रैनो प्लास्टिक प्लानो का जो कीवर्ड था उसे कम्प्लीटली डोमिनेट कर लिया छः हफ़्तों के अंदर अच्छा ये भी कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी यू एक्सपर्ट है छः हफ्ते के अंदर उसने अपना कीवर्ड को रैंक करा दिया कोई ख़ास पिक डील नहीं है पिक डील आखिर थी क्या बिग डील बेसिकली ये थी कि पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो डमी टेक्स पे बिल्ड हुई हुई थी यानी उसमें बेसिकली कंटेंट जो लिखा हुआ था वो इंग्लिश में लिखा हुआ ही नहीं था इनफैक्ट वो किसी भी लैंग्वेज में नहीं था वो डमी टेक्स था और डमी टेक्स्ट जो है वो उसने रैंक करा दिया अब टेक्निक उसकी बेसिकली ये थी कि कीवर्ड उसने लिखा एच वन टैग में एच टू टैग में उसके बाद डमी टैक्स डमी टैक्स डमी टैक्स नोस जॉब डमी टैक्स डमी टैक्स प्लास्टिक सर्जरी इस तरह से करके उसने रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो एक पेज की सर्टेन पोजिशन पर प्लेस करे मेन कीवर्ड जो है उसने अपने टाइटल टैक्स में अपना प्लेस करा और पूरी की पूरी साइट जो है उसने वो रैंक करा दी uh, जब ये रिजल्ट्स पॉपुलर हुए तो गूगल को भी अलार्मल बज गए कि ये हुआ क्या और गूगल ने फिर उसकी साइट जो है वो मैन्युअली डी इंडेक्स कर दी डी इंडेक्स उन्होंने कर दी क्योंकि बेसिकली गूगल का पूरा का पूरा रैंकिंग का जो पूरा प्रोटोकॉल था वो एक तरह से उसने हैक कर लिया कि गूगल बेसिकली ड गो फॉर योर कॉन्टेंट गूगल जस्ट गो फॉर द कीवर्ड एंड द रिलेटेड वर्ड्स दैट कॉम्प्लीमेंट दैट की वर्ड और उनकी प्लेसमेंट अगर आपने ये सही कर दी तो विद टैक्स विदाउट टैक्स विद और इवन अ डबी टैक्स आपकी साइट रैंक कर जाएगी आप ये साइट जो है वो बेसिकली बंद हो गई है लेकिन आ, मैं वे बैक मशीन में जाके मैंने इस साइट के आ, पुराने इमेजेस निकाले वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं जस्ट गिव मी मोमेंट हाँ जी ये आप देखें दिस इज द साइट रेनोप्लास्टी सर्जरी सेंटर हाउ लॉन्ग इज़ राइनोप्लास्टी रिकवरी टाइम डमी टैक्स डमी टैक्स डी टेक्सस उसके बाद फिर डमी टैक्स डमी टैक्स उसके बाद नेगेटिव यू आर एल दे दिया उसके बाद दैन फिर अगेन डमी टैक्स सारा सही आ, ये वाला पेज देखो डमी टैक्स डमी टैक्स रेमो प्लान प्लास्टिक प्लानो टैक्स सही है उसके बाद अगेन डमी टैक्स सारा इसका होम पेज देखो आ, प्लानो रेनो प्लास्टिक सर्जरी सेंटर उसके बाद ये एच एच वन में इसने अपना की वर्ड दे दिया उसके बाद फिर अपना बैकलिंक दे दिया आ, सारा का सारा फिर डमी टैक्स है उसके बाद नोबिस नेस्ट्रो, आई थिंक ये भी कोई अपना मेडिकल टर्म है सर्जरी से रिलेटेड अबाउट उसके बाद तो दिस इज़ वॉट ही वॉज एबल टू रैंक नाउ अब यही सेम टेक्निक मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने कॉन्टेंट पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं नाउ अनलाइक काइट मैं इस तरह की ऑप्टमाइजेशन जो है वो दो स्टेप्स में करता हूँ दो स्टेप्स में मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि अ साइट ओनर और एन एस मैनेजर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंसेस ये होती है कि मैं अपने कस्टमर्स को सर्व करूँ उसके बाद सेकेंड प्रेफरेंस मेरी ये आनी चाहिए कि मैं गूगल को सर्व करूँ बताना मैं बेसिकली ये चाहता हूँ कि डमी टैक्स डमी टैक्स की करके अगर मैंने साइट रैंक करा भी दी तो मैं एक बिजनेस वेबसाइट रन कर रहा हूँ उससे मेरे कस्टमर को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कस्टमर को फ़ायदा तभी होगा जब मैं उस वेब पेज के ऊपर कस्टमर को वैल्यू दूँ प्लस वो साइट रैंक भी करे ताकि मैं कस्टमर ट्रैफिक जो है अपनी साइट पे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गैदर कर सकूँ सो so, दो स्टेप्स में करने के लिए आई विल जस्ट फर्स्ट डू मैनुअल अनाल मैनुअल अन किस तरह से करूंगा जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल uh, मेरा कीवर्ड है बेस्ट टेलीस्कोप फॉर किट्स किसी को ही ले लेते हैं ठीक है जी अब दिस पेज इज रैंकिंग एट द फर्स्ट पोजिशन दिस इज ऑन थर्ड सही थी ये तीन टॉप की पोजिशन हो गए और लेट्स सिज यू के सेकेंड पेज के ऊपर दिस इज मी सही थी ये मेरा पेज है सेकेंड पेज के ऊपर ये मेरा पेज है गीगो ऑप्टिक डॉट कॉम और मैंने ये देखना है कि वाई मैं सेकंड पेज के ऊपर हूँ और नंबर वन पेज के ऊपर फर्स्ट थ्री रैंकिंग्स जो हैं वो ये हैं तो सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि इन पेजेस में ऐसा क्या है कंटेंट वाइज के जो ये टॉप पे रैंक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने कंटेंट का एनालिसिस करते हैं अपने कॉन्टेंट में हमने मेन जो अपना कीवर्ड है वो टाइटल टैग में दे दिया उसके बाद टेबल ऑफ़ कॉन्टेंट्स दे दिए uh, दो पैराग्राफ दे दिए उसके बाद जो है टेबल uh, दे दिया मैंने बेस्ट uh, टेलीस्कोप्स का उसके बाद टेलीस्कोप्स का मैंने रिव्यू दे दिया सही uh, सही टेलीस्कोप्स का रिव्यू दे दिया दैट सेट सही दिये? तो कंटेंट की लेंथ थोड़ी कम है और फॉर ही जो है वो बेसिकली आ, रिव्यू में आ गया सही ऑन द अदर हैंड जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं अगर आप उन्हें देखो तो वो क्या कर रहे हैं सही अगेन हालांकि ये अपडेट भी नहीं हुआ वो आर्टिकल उसके बावजूद ये टॉप पे रैंक कर रहे हैं तो मेन टाइटल में आपने अपना मेन की दे दिया उसके बाद सही एडिटोरियल नोट आ गया अंडर सिक्स एच सिक्स एंड अंडर सही है जी सेकेंड एच टैक आ गया है सही आ, उसके बाद छः साल से बड़े वालों के लिए ये वाला आ गया टेलीस्कोप सही टेलीस्कोप दे दिए सारे तो बेसिकली एज वाइज उसने डिवीजन दी हुई है तो इट मींस बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा इजी कर दिया है अमंग uh, के अंदर ही तो और क्या है इस आर्टिकल में ऐसा मैथोडोलोजी टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमी गिवस मैथडोलॉजी मैन्युफैक्चरर्स सही तो बेसिकली इंफॉर्मेशन ज़्यादा दी हुई है आर्टिकल में और आर्टिकल में रिव्यू के अलावा भी कॉन्टेंट uh, लेंथ जो है वो अच्छी खासी है मतलब सिर्फ रिव्यू कंटेंट नहीं है उसके अलावा भी काफ़ी कुछ है uh, जो सेकंड रैंक कर रहा है उसे देखो उसमें क्या है टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स बताए हुए हैं रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप्स बताए हुए हैं रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप्स का मतलब टाइप ऑफ टेलीस्कोप्स जो है वो डिफ़ाइन करी हुए हैं उनके प्रोज एंड कॉम्स दिए हैं फिर टेलीस्कोप के बेसिक्स दिए हुए हैं पार्ट्स बताए हुए हैं फीचर्स बताए हुए हैं और बेस्ट टेलीस्कोप फॉर किड्स अंडर सेवन सही उसके बाद प्रोज एंड कॉम्स बताए हुए हैं टेलीस्कोप्स को फिर रिव्यू करा है आगे उसके बाद सारे के सारे टेलीस्कोप तो जो है वो रिव्यू कर दिए जो थर्ड पोजीशन पे है इसे देखो वो क्या कर रहे शुरू में एक इंट्रो पैराग्राफ दे दिया उसके बाद फीचर्स टू लुक फॉर बिफोर बाइंग बेस्ट टेलीस्कोप तो एक सॉर्ट ऑफ एक बाइंग गाइड भी दे दिए लेंस का बताया है कि लेंस आपने देखना है टेलीस्कोप uh, की पावर आपने देखनी है मटेरियल बजट आपने देखना है कितना आप आपने महंगा या कितना सस्ता आपने लैपटॉप uh, कितना महंगा या कितना सस्ता आपने जो है वो टेलीस्कोप लेना है वैल्यू रिसर्च करनी है पर्पस आपको पता होना चाहिए uh, आप क्यों ले रहे हैं टेलीस्कोप मतलब आपका एक्चुअल मोटिव क्या है क्या देखना चाहते हैं सितारे देखना चाहते हैं चांद देखना चाहते हैं कॉमेट देखना चाहते हैं सही आफ्टर दैट उसके बाद फिर टेलीस्कोप जो रिव्यू तो बेस्ड ऑन रिव्यूइंग दीज थ्री टॉप आर्टिकल्स मुझे पता चल गया कि अगर मैंने इस पेज को रैंक कराना है तो मुझे कॉन्टेंट इन्फो कॉन्टेंट मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा अपना सही मतलब बाइंग गाइड डाल दूँ मैं टेलीस्कोप की क्वालिटीज बता दूँ टेलीस्कोप में क्या क्या चीज़ें आपने देखनी चाहिए वो मैं आर्ड ऑन कर दूँ टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स बता दूँ मतलब किसी न किसी तरह से एक इंफॉर्मेशनल वैल्यू जो है वो अब मैं इस आर्टिकल में मजीद डालूँ रान जस्ट रिव्यू ये चीज़ें अगर मैं ऐड ऑन कर देता हूँ तो होपफुली uh, मैं सिर्फ इसी से ही रैंक कर जाऊँ लेकिन अगर रैंक ना भी करूँ तो एटलीस्ट कम अज कम एक कस्टमर को वैल्यू मैं ज्यादा से ज्यादा दे रहा हूँ तो ये मैंने मैनुअल एनालिसिस कर दिया इसके बाद हम आ जाते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए मेरे भाई दिस इज द टूल जो कि मैं यूज करता हूँ बड़ा जबरदस्त टूल है मजे की बात है फ्री है तो बेस करें जो है वो अपना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो डिस्क्रिप्शन से उठा के यू कैन ऑल्सो असेस योर कॉन्टेंट थ्रू द हेल्प ऑफ दिस टूल एज वेल सही है थी? आप थोड़ा सा भारी है ये टूल तो दोनों में टाइम लेता है तो ये वेबसाइट ऑडिटर जो है ये मेरा टूल जो है ये खुल गया तो देखो जब आपका ओपन हो जाए तो उसके बाद तो हमने अपना जो भी तुमने पेज ऑप्टोमाइज है तुमने उसका यू आर एल डाल देना है तो इन दैट केस इज़ वीवर रिज्यूमिंग यह हमारा पेज था इसे कॉपी करा और ये आपने इधर uh, इसे पेस्ट कर दिया वंस यू फिनिश इट अगेन ये पेज क्रॉल होने में थोड़ा सा ये टूल टाइम लेगा अब क्रॉल कर लिया है इसने अपने टूल ने ये पेज उसके बाद फिर हम आ जाएंगे तो स्ट्रेट अवे सीधे सीधे का सीधा uh, ये कंटेंट एनालिसिस के ऊपर तो पेज जो है वो लोड हो गया उसके बाद आपने आ जाना है कंटेंट एनालिसिस के ऊपर और कंटेंट एनालिसिस के ऊपर आप आ जाएंगे टी एफ आई डी एफ के ऊपर सही uh, है टी एफ आई डी एफ का बेसिकली एवरीविएशन है टर्म फ्रीक्वेंसी इन डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ है इसकी आप डेफिनेशन में ना आ जाए तो लेकिन काम आपके लिए सारा कर देगा सही? तो पेज यू हमने डाल दिया अपना कीवर्ड हमारा था बेस्ट टेलीस्कोप फॉर कैट्स सही इसके बाद ऑर्डर रन कर दो रन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा जनाब ये ऑडिट रिपोर्ट इसकी कंप्लीट आ गई अब आपने बेसिकली सेटिंग्स में जाके एक दफ़ा चेक कर लें कि सर्च इंजन आपका कौन सा गूगल है ठीक है अप्लाई कर दो इसके बाद कंपटीटर्स uh, को आप अपने चेक कर लो कंपटीटर ये सारे के सारे बेसिकली वो उठाएगा uh, जो कि गूगल के पेज नंबर वन पे इस कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं so, तो यहाँ से आप बेसिकली मैनेज कर सकते हैं कि किस किस वेबसाइट के कंटेंट के हिसाब से आपने अपना कंटेंट ऑप्टोमाइज किया तो बेसिकली इट्स अ रिव्यू कीवर्ड तो हम देखेंगे कि रिव्यू कीवर्ड के हिसाब से uh, अमेजॉन को आप डी सलेक्ट कर दो क्योंकि अमेजॉन बेसिकली का जो पेज है वो ई e कामर्स का पेज है वो रिव्यू के हिसाब से तो रैंक कर ही है तो आपने बेसिकली अमेजोन के हिसाब से तो अपना कॉन्टेंट ऑप्टोमाइज वैसे भी नहीं करना तो अमेजोन आपने डी सेलेक्ट कर दिया इसके बाद अमेजान की जगह तुम तो एक और जो अलेवंथ पोजिशन है वो बढ़ा लो आ, विकी ई वेस्ट ये, ये भी आप हटा दें इसकी जगह तो तुम ये वाला तो उनको सो आई थिंक ये टॉप टेन जरूरी नहीं है फर्स्ट पेज क्यों दो सेकंड पेज के भी लेकिन टॉप टेन रिव्यू आर्टिकल्स हैं जो कि इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं सेफ uh, और अब आप देखते हैं कि uh, क्या रिजल्ट है सही तो बेसिकली दीज uh, आर द कीवर्ड्स जिनके हिसाब से सा आपने अपने, अपने कंटेंट को रैंक करना है तो रिफ्लेक्टर टेंस को Uh, इसका जो वर्ड काउंट एवरेज है इन तमाम आर्टिकल्स में वो है दस और आपने अपने आर्टिकल में कितनी दफ़ा यूज़ करा हुआ है वो आपने करा हुआ है फॉर टाइम यूज़ ओवरऑल इट्स ओके टेलीस्कोप फॉर किट्स बाकी तमाम आर्टिकल में ऑन एवरेज आठ दफ़ा यूज़ हुआ हुआ है आपके आर्टिकल में सिर्फ दो दफ़ा यूज़ हुआ हुआ है तो आपने इस टेलीस्कोप फॉर किट्स को अपने आर्टिकल में ऑप्टोमाइज कर सेंस ये आपका मेन कीवर्ड है तो कोशिश करें कि इसे आप आ, या तो H2 या H3 या H4 टेक्स्ट में इसे आप ऑप्टोमाइज करें आ, उसके बाद बेस्ट टेलीस्कोप फॉर कैच्स ये आपने अपने कंटेंट में लिखा ही नहीं है तो मतलब ये आपने और एवरेज इट मीनस कम अज कम चार से पाँच या छः दफ़ा आपने इसको अपने आर्टिकल में इस वर्ड को इंक्लूड करना है उसके बाद टेलीस्कोप फॉर किड्स का एवरेज जो है वो तमाम रैंकिंग आर्टिकल्स का आठ है आपने अट्ठारह दफ़ा यूज़ करा है इसे जैसे तो आपने कम करना है तो बेसिकली आप कर रहे हैं ये कि जहाँ जहाँ टेलीस्कोप फॉर किड्स आपने यूज़ है उनमें से छः से आठ मरतबा जहाँ जहाँ ये यूज़ हुआ है उसकी जो आप बेस्ट टेलीस्कोप फोटेट से रिप्लेस कर दें तो बेसिकली इसका वर्ड काउंट कम हो जाएगा और इसका वर्ड काउंट बढ़ जाएगा सही इसी तरह से फिर बैरोलैंड ठीक है एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर आपने एक दफ़ा यूज़ करा है एवरेज तीन का है दो दफ़ा और उस वर्ड को ऐड करें आ, आ, हायर क्वालिटी आपने आठ दफ़ा यूज़ करा है इसे आप कम करें इसे आप तीन से चार पे लेकर आए रेड डॉट सही बेस्ट टेलिस्कोप्स ठीक है सेवेंटी एम एम रिफ्रैक्टर ये आपने चार दफ़ा यूज करा है इससे आप कम करें या ना भी करें क्योंकि बेसिकली ये तो टेलीस्कोप टू टेलीस्कोप वेरी करता है ना आपने वो वाले टेलीस्कोप ज़्यादा रिव्यू करेंगे जिसमें सेवेंटी एम एम रिफ्रैक्टर ज़्यादा है तो आपने इसे फिर चार दफ़ा यूज कर लिया खैर तो कोशिश करें कि टॉप ट्वेंटी जो कीवर्ड्स हैं उन्हें आप ऑप्टिमाइज करें अच्छा जो इसका फ्री वर्जन है उसमें आप ये लिस्ट कॉपी नहीं कर सकते आ, उसके लिए आपको पेड वर्जन में बेसिकली ये आप फिर अपना पूरी की पूरी शीट जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको मैन्युअली कॉपी पेस्ट करके ये अपने पास तमाम के तमाम कीवर्ड्स जो हैं वो नोट डाउन करना अच्छा ये मल्टीवर्ड की हैं इसके बाद ये सिंगल वर्ड की भी आ गए सिंगल वर्ड की में भी देख लो आ, कौन कौन सा वर्ड तुमने ऑप्टोमाइज करना है एस्ट्रोनॉमी जो है आ, एक दफ़ा यूज़ करा है एवरेज जो है वो नौ का है तो आठ दफ़ा मजीद एस्ट्रोनॉमी यूज़ करो आ, ग्रेट जो है वो एक दफ़ा भी तुमने यूज़ नहीं करा और बारह दफ़ा यूज़ हुआ हुआ है ऑन एवरेज तो कम अज़ कम सात से आठ दस दफ़ा जो है वो ग्रेट वर्ड आपने यूज़ यूज करना है मून आपने मज़ीद यूज़ करना है उसके बाद हाई जो है आ, उसे थोड़ा सा लेस करो उसकी ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा हो है। इस तरह से करके कोशिश करें बीस या पच्चीस जो है वो सिंगल वर्ड आपने ऑप्टिमाइज कर और बीस से पच्चीस ही आपने मल्टी वर्ड जो है वो आपने ऑप्टिमाइज करना सो वंस यू हैव ऑप्टिमाइज्ड दीज रिलेटेड कीवर्ड्स एक दफा पढ़ के भी देख लो कि बेसिकली जो जो वर्ड के हिसाब से तुमने करा है इट मेक सेंस इन द कॉम्प्रीहशन एज वेल और नॉट सो वंस दैट पार्ट इज़ डन कॉन्टेंट वाइज आपका आर्टिकल जो है वो परफेक्ट हो चुके एंड मोस्टली तीन से चार पोजिशन का जंप उसमें ईजीली लग जाता है इट मीन्स लाइक कि अगर आप बारहवीं या ग्यारहवीं पोजिशन पर तो आप आठवीं नौवीं दसवीं पोजिशन तक ऑटोमेटिकली सिर्फ ऑप्टोमाइजेशन से आ जाएँगे या अगर ये जंप नहीं भी लगा तो एटलीस्ट कम से कम आपको ये सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि कंटेंट वाइज आपका आर्टिकल परफेक्ट है अब आपने दूसरे या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स या साइट के टेक्निकल फैक्टर्स की तरफ फोकस करना है और उन्हें बेहतर तरीके से आपने ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि आपके आर्टिकल जो है वो रैक होने शुरू कर दें सो दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अदर एस सी ओ अपना ख्याल रखिएगा एंड रब रक